नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी के न्यूज़ शोगामा की आवाज़ को। अल्लूर फैक्ट्री में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला। पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक सहित 16 हिंदू संगठन नेता विशेष एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर 28 अगस्त 2006 में थाना सिखेड़ा में स्थित अल्लूर फैक्ट्री में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में आज पूर्व विधायक उमेश मलिक, हिंदू संगठन के नेता ओंकार सिंह, ललित मोहन शर्मा, रामानंद दुबे सहित 16 आरोपी विशेष अदालत में पेश हुए। विशेष अदालत के जज गोपाल उपाध्याय ने सभी के धारा 313 के तहत बयान दर्ज कर सफाई के लिए 7 जनवरी नियत की है। भाजपा विधायक उमेश मलिक सहित कई आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने पैरवी की। आपको ध्यान दिला दें कि 2006 को अलनूर मीट फैक्ट्री के विरुद्ध आंदोलन के चलते फैक्ट्री में तोड़फोड़ व आगजनी करने, संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के आरोप में कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। सुनवाई के चलते तत्कालीन सीओ निरंजन शर्मा, आईओ इंदल सिंह आदि के बयान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में दर्ज कराए जा चुके हैं। अल्लूर मीट प्लांट का मामला था सन 2006 में। वहाँ पे गाय इकट्ठा करती थी, गाय के बछड़े इकट्ठा करते थे, सपा की सरकार थी, रात को भैंस गाय झुट्टे सब खोल कर ले जाया करते थे और अगले 10 मिनट में उनका त्यापंचा हो जाया करता था। उसी विषय को लेके कि वहाँ पे एक समिति का गठन हो और उसका प्रदूषण का भी लाइसेंस बने और कोई भी इस प्रकार का पशु ना कटे जो कटने लायक नहीं है। इस आंदोलन को हिंदू संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने किया था। 2005 से वो आंदोलन चालू हुआ था और सीधे सीधे उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड बढ़ेरा के सीधे सीधे इस प्लांट से संबंध है, उस समय संबंध थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार थी, हमारी लगातार 6-7 महीने तक आंदोलन करते रहे, कुछ नहीं सुनी गई। 3-4 बार जेल जाने का भी उस समय मौका मिला था। उसी समय का ये केस हमने एक बार यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे कचहरी में, लेकिन पुलिस प्रशासन ने और उस समय के तत्कालीन प्रशासन ने हमें अलनून मीट प्लांट में आग लगा दी और ये कर दिया वो कर दिया, इस प्रकार का एक फर्जी केस हम सब लोगों के ऊपर लगा दिया गया था। उसमें शिवसेना भी थी, मैं स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक के रूप में काम करता था, संजय अग्रवाल हिंदू जागरण मंच में थे, ओमकार जी हमारे आरएसएस के जिला संपर्क प्रमुख थे। हम 16 लोगों के ऊपर ये मुकदमा लगा था, इसमें अब 313 बन गई है। आज हम लोग सब सारे 16 के 16 लोग उपस्थित हुए और अगले एक हफ्ते में इसमें निर्णय आने वाला है।